This video of The Lallan Top is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मीका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर वन गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की ये चौचक सालाना सीरीज ऑस्कर वाली फिल्म है। आठवीं किश्त आप देख रहे हैं, आखिरी फिल्म। फिल्म का नाम फोर्ड वर्सेस फरारी। इसने 2020 के ऑस्कर में दो अवार्ड जीते, पहला बेस्ट एडिटिंग का, दूसरा बेस्ट साउंड एडिटिंग का। ऐसा क्या खास है, अपन बात करेंगे इस पर। एक कार निर्माता पुरुष और इटालियन होने के नाते मेरी ईमानदारी तुम लोगों के इस ऑफर से बहुत अपमानित हुई है। जाओ, वापस मिशिगन लौट जाओ, अपनी उस बड़ी बदसूरत सी फैक्ट्री में जाओ और वहां अपनी बदसूरत तुच्छ कारें बनाओ। सुअर जैसे सर वाले अपने बॉस से कहना कि उसके दंभ में चूर सारे अधिकारी वैश्याओं की नकारा औलादे हैं और कुछ नहीं। उसे बोलना कि वो हेनरी फोर्ड नहीं है, वो तो सिर्फ हेनरी फोर्ड सेकेंड है। ये डायलॉग है एंजो फरारी का, जो फिल्म का एक अहम कैरेक्टर है। एंजो इटली के मशहूर कार इंजीनियर हैं, रेसर हैं, नामी मोटर कंपनी फरारी के मालिक हैं। जब अमरीकी कंपनी फोर्ड के अधिकारी उनके पास आते हैं और फरारी के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखते हैं तो एंजो आग बबूला हो जाते हैं। अपने डंक मारने वाले शब्दों से उन अधिकारियों की हालत खराब कर देते हैं जिसके बारे में आपने शुरुआत में सुना, और इसी डायलॉग के चलते पूरी महाभारत शुरू होती है, रेसिंग की महाभारत। क्या है फिल्म का प्लॉट? ये कहानी केन माइल्स और कैरल शेल्बी की है। ये नाम याद कर लीजिए, केन माइल्स, कैरल शेल्बी। ये दो जुनूनी कार रेसर हैं, दोस्त हैं, लेकिन कैरल ने बीमारी के बाद रेसिंग छोड़ दी है और शेल्बी अमेरिकन नाम की कंपनी चलाने लगा है। लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट वाला केन वो अभी भी एक उन्मुक्त घोड़े की तरह है, नियमों में नहीं बंधा है, अपने क्रेज से चलता है, जीनियस है, लेकिन गुस्सा बहुत आता है इसलिए सफल नहीं है। वो देसी रेसों में जाता है, जीतता है, मैकेनिक भी है। उसका एक बेटा है जो पापा का और उनकी रेसिंग कारों का भयानक फैन है। अब उधर क्या चल रहा है दूसरे कंटेक्स्ट में? अमरीकी कंपनी फोर्ड मोटर ये खुद को रीइन्वेंट करना चाहती है, कुछ ऐसा करना चाहती है कि उसकी कारों की सेल बढ़े, उसका आधिपत्य फैले। मार्केटिंग का एक बड़ा अधिकारी ली तब सामने आता है और बोलता है कि अगर आपको ऐसा करना है तो इटालियन कंपनी फरारी की तरह सोचना होगा। इस पे दूसरा मार्केटिंग अधिकारी पता है क्या कहता है? फरारी पूरे साल में जितनी कारें नहीं बनाती उतनी हम एक दिन में बना देते हैं। जितना वो अपने पूरे प्रोडक्शन पर पैसा खर्च करते हैं उतना हम अपने टॉयलेट पेपर पर खर्च कर देते हैं, और तुम चाहते हो कि हम उनकी तरह सोचें? और इस पर ली का जवाब सामने आता है। एंजो फरारी का नाम इतिहास में सबसे महान कार निर्माता के रूप में दर्ज होगा। क्यों? क्या इसलिए कि उसने सबसे ज्यादा कारें बनाई? नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी कारों का एक अर्थ होता है, और वो अर्थ है जीत। फरारी लमा में रेस जीतती है, लोग उसी जीत का थोड़ा सा हिस्सा चाहते हैं। क्या हो अगर फोर्ड का बैज भी जीत का पर्याय बन जाए? इसके बाद तय किया जाता है कि दिवालिया हो रही फरारी कंपनी को ही खरीद लिया जाए, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। फरारी का मालिक ऐसी बात बोलता है कि फोर्ड के मालिक को बुरा लग जाता है, और तब फोर्ड का मालिक क्या कहता है? बेस्ट इंजीनियर ढूंढो, बेस्ट ड्राइवर ढूंढो, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए एक रेसिंग कार बनाओ, और हम फरारी के मालिक को लमा की फिनिश लाइन के 100 फीट नीचे गाड़ देंगे। और जब ये सब हो रहा होगा तो मैं खड़े होकर वहां पर ये देख रहा होऊंगा। और ऐसी विनर टीम बनाने के लिए ली पहुंचता है शेल्बी के पास। वो माइल्स को भी साथ लेता है और दोनों दुनिया की बेस्ट रेस कार बनाने निकलते हैं, लमा की रेस में फरारी को हराने निकलते हैं। पर कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि फिर फोर्ड कंपनी के बाबू लोग राह में रोड़े अटकाते हैं। भोले केन माइल्स के साथ ऐसे छल किए जाते हैं कि देखने वालों का दिल टूट जाए। कहानी का एंड ट्रेजिक है। क्या है इस फिल्म का मर्म, इसकी आत्मा? यह फिल्म असल घटना पर बेस्ड है। 1966 में फोर्ड मोटर कंपनी ने फरारी से टक्कर ली। उसकी रेसिंग टीम ने फ्रांस में 24 घंटे लंबी चलने वाली दुनिया की सबसे मशहूर रेस लमा में हिस्सा लिया। फोर्ड वर्सेस फरारी, ये रेस लवर्स के लिए मस्ट वॉच है।
लेकिन ये फिल्म सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ऑटो रेसिंग की विधा की जानकारी रखते हैं, नहीं रखते वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इंसानी जुनून की कहानी है, ये स्वाभिमान की, जीतने के लिए हदों को तोड़ जाने की, असंभव की, दोस्ती की, परिवार की, धोखे की, लालच की और मौत की कहानी है। इस कहानी में शेल्बी कहता है, रेसिंग में एक पॉइंट आता है 7000 RPM यानी कि रिवोल्यूशंस पर मिनट, वहाँ सब धुंधला पड़ जाता है, वहाँ ये मशीन यानी रेस कार भारहीन हो जाती है, गायब सी हो जाती है, पीछे बस एक ऐसी संरचना बचती है जो स्पेस और टाइम में से होकर गुजर रही होती है 7000 RPM। वहीं आप उस क्षण से मिलते हो जहाँ सिर्फ एक सवाल मायने रखता है, आप कौन हो। इसी मोमेंट पर ये फिल्म शुरू होती है और इसी पर खत्म। कौन है फोर्ड वर्सेस फरारी के लोग? फोर्ड वर्सेस फरारी के लोगों में सबसे पहले उनकी बात करेंगे जिन्होंने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जेम्स मैनगोल्ड। आपने 2017 में आई उनकी सुपर हीरो वाली फिल्म लोगन देखी होगी। एक्समैन सीरीज की फिल्म थी, पहली सुपर हीरो फिल्म जिसको स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। उससे पहले उन्होंने वुल्वरीन भी बनाई थी। सुपर हीरो मूवी से इतर उनका काम देखना हो तो वॉकिन फिनिक्स और रीज विदरस्पून की एक्टिंग वाली वॉक द लाइन देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। ये मशहूर अमरीकी सिंगर जॉनी कैश की लाइफ पर बेस्ड थी और इस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर भी मिला था। फोर्ड वर्सेस फरारी में लीड रोल किया है क्रिश्चियन बेल और मैट डेमन ने। दोनों का लंबा और सफल करियर रहा है। मैट ने शेल्बी का रोल किया है। उनकी बॉर्न फिल्म सीरीज बहुत पॉपुलर है। क्या है ये सीरीज, अगर इनकेस आपने नहीं देखी, मेमोरी चली जाती है एक CIA किलर जेसन बॉर्न की। अब उसको पीछे जाना है, सब कुछ याद करना है। मैट डेमन को 2015 में रिडली स्कॉट की फिल्म आई थी द मार्शियन, उसके लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। क्या था कैरेक्टर? उनका कैरेक्टर मंगल ग्रह पर अटक जाता है, सर्वाइव करने के लिए अपने मलमूत्र से कैसे भोजन तैयार करता है, कैसे पौधे उगाता है, इन सब की अद्भुत कहानी है। एक शब्द में बताना हो तो जीजी विशा उसकी कहानी है। इसके अलावा उन्होंने रॉबिन विलियम्स के साथ 1997 में गुडविल हंटिंग जैसी फिल्म भी की, उनके करियर की बेस्टेस्ट फिल्मों में से एक। और इस फिल्म के लिए उन्हें, जी आपने सही सुना, उन्हें स्क्रीन प्ले राइटिंग का ऑस्कर मिला था। साथ में दोस्त भी था बेन एफ्लेक, जिनको आपने आर्गो और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवीज के कंटेक्स्ट में सुना है। अब बात करेंगे दूसरे एक्टर की, क्रिश्चियन बेल की। फोर्ड वर्सेस फरारी में वो केन माइल्स का रोल करते हैं। उनकी एक्टिंग का जादू है, उनकी मेथड एक्टिंग पर बहुत बात हुई है, 1987 से हो रही है, जी काफ़ी पुराने हैं। 12 साल के थे जब उन्होंने एम्पायर ऑफ द सन जैसी कठोर वॉर फिल्म की थी और उसमें द्रवित कर देने वाला काम किया था। क्रिस्टोफर की बैटमैन सीरीज वाली फिल्मों में वो गॉथम के रखवाले सुपर हीरो के रोल में दिखते हैं। द मशीनिस्ट, कैसी मेथड एक्टिंग, खुद को इतना दुबला कर लिया कि उस लुक पर नज़र टिकाना मुश्किल हो जाए। 2019 के ऑस्कर में एक फिल्म छाई रही थी वाइस, उसमें फिर उन्होंने बदलाव किया, वो वजनी अमरीकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी के रोल में आए और क्या कमाल काम किया। फोर्ड वर्सेस फरारी, यहाँ पर भी उनकी कैरेक्टर के प्रति ईमानदारी दिखती है। दिखता है कि ये काम अवार्ड पाने की लालसा के लिए नहीं किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऑस्कर वाली फिल्म है ललन टॉप की एक खास सीरीज। इसमें आपने कुल 8 फिल्मों के बारे में जाना जो 2020 के अकेडमी अवार्ड्स में छाई रहीं, नॉमिनेट हुई और मेन अवार्ड्स जीते। अगले साल इस सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे ऐसी आशा है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए अगर सिनेमा पर आपको कुछ ऐसी ही हटके खबरें डट के देखनी है। दी ललन टॉप, याद रखिए।